नमस्कार दोस्तों, मैं कृष वर्मा, आप देख रहे हैं मेडिसिन किंग। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मिकोडर प्लस इंजेक्शन के बारे में। मिकोडर इंजेक्शन के क्या यूजेस और क्या साइड इफेक्ट है उसके बारे में आज पूरी जानकारी लेने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप एडवेंचर वीडियो जैसे कि धार्मिक स्थल, पब्लिक प्लेस या ऐतिहासिक जगह ऐसी वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं तो हमारे नए चैनल बुंदेली ब्लॉग्स को करिएगा सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को दबाइएगा, क्योंकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों होम पेज पर जाके डेली ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर ले। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं इसके यूजेस और साइड इफेक्ट के बारे में। तो यहाँ पर बात करते हैं हम इस्तेमाल के बारे में, कौन सी कंडीशन में डॉक्टर्स को प्रेस्क्राइब करते हैं और आप इस इंजेक्शन को कब लगवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इसके इस्तेमाल। तो फ्रेंड्स, मिकोडर इंजेक्शन का इस्तेमाल उच्च कोलेस्ट्रॉल जैसे कि भूलने की बीमारी या गठिया, विटामिन B3 की कमी के लिए बहुत ही ज़्यादा अफेक्टिव है ये, और बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखा गया उस उन कंडीशंस में। तो फ्रेंड, अगर आपको उच्च कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या गठिया की समस्या है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके दोस्तों हम इस्तेमाल के बारे में जानेंगे डिटेल से और कौन सी कंडीशन में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे विटामिन D3 या विटामिन B3 के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको दिल की बीमारी है जैसे कि हार्ट की समस्या है जिन पेशेंट्स को, तो उस कंडीशन में भी आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको कैंसर में भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मांसपेशियों में अकड़न या मांसपेशियों में ऐंठन होना या फेस के ऊपर आपके मुहासे होना, तो उस कंडीशन के लिए बहुत ही बेस्ट इसका रिजल्ट देखा गया है। और इसका दोस्तों इस्तेमाल जैसे गठिया की समस्या होना, नसों का चढ़ना या नसों में दर्द होना, या पाँव की नस, मतलब कई पेशेंट्स को देखा होगा पाँव की नस जो होती है नीचे से लेके ऊपर तक दर्द जाता है, तो उस कंडीशन में आप मिकोडर इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जिन पेशेंट को चक्कर आते हैं या गर्दन के नीचे की नसें दर्द होती हैं, पूरी पीठ में दर्द होता है, हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं, नसों में दर्द होता है, तो उस कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है दोस्तों। जिन पेशेंट को गठिया जैसे कि अकड़न, मांसपेशियों में अकड़न या सूजन रहती है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं अब इसके कंपनी के बारे में और ये कहाँ से मिलने वाला है, कौन सी कंपनी का है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एल्डर इस प्रोडक्ट को बनाती है, और यहाँ पर मिकोडर की ब्रांडिंग फ्रेंड्स देख सकते हैं आप। और यहाँ पर हम बात करेंगे इसके कंटेंट की, तो कंटेंट इसमें है मिकोबालामिन, पारिडॉक्सिन और नाइकसिनामाइड डीपेंथेनॉल इंजेक्शन। तो यहाँ पर आप कंटेंट पढ़ सकते हैं दोस्तों, और कंटेंट इसके मिलीग्राम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर MRP इसका 80 रुपये है, एक्सपायरी डेट आप देख सकते हैं। तो ये मैं इसको ओपन करके दिखा दूँ किस प्रकार का ये एम्प्यूल है। तो इसमें 2 ml का एम्प्यूल रहता है और इसमें एक सिरिंज भी है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसके जैसे कि मैंने बताया कंपनी और इस्तेमाल के बारे में, तो हम इसके साइड इफ़ेक्ट और डोजेस के बारे में भी जानेंगे, इसको आप कब लगवा सकते हैं और इसके क्या डोजेज हैं उसके बारे में भी जानेंगे आप। तो फ्रेंड, यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है IM और IV दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, इंट्रा मस्कल और इंट्रा वेनस। अगर आप नस में लगवाना चाहते हैं तो वहाँ भी लगवा सकते हैं, अगर आप इंट्रा मस्कल कूले में लगवाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी लग सकता है। तो दोस्तों, इसके साइड इफ़ेक्ट अगर आप लगवाएंगे तो लगवाने वाली जगह पर दर्द हो सकता है बहुत ज़्यादा, या चखत्ते पड़ सकते हैं उस जगह पर, सूजन और लाल हो सकता है, या आपको गर्मी लग सकती है पूरी बॉडी पे, चकत्ते हो सकते हैं छोटे छोटे, या धुंधली दृष्टि, या आपको चक्कर भी आ सकते हैं। तो इस प्रकार के आपको साइड इफ़ेक्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पर डोजेस की हम बात करेंगे, तो आप एक दिन छोड़ के अगर आपको ये कंडीशन है तो आप मैक्सिमम 10 इंजेक्शन का कोर्स करवाएं, 10 या 5, तो आपकी ये कंडीशन है बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी दोस्तों। तो बहुत ही गुड रिजल्ट है इसका, अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो मैं ये आपको प्रेस्क्राइब करूंगा दोस्तों, बिना डॉक्टर के कोई भी दवाई और इंजेक्शन का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सिर्फ नॉलेज के लिए मैं आपके वीडियोस बनाता हूं, ये रिव्यू करता हूं प्रोडक्ट के, ना कि मैं आपको सजेस्ट करता हूं या आप ये दवाई लें। तो दोस्तों, बिना डॉक्टर के कोई भी दवाई या कोई भी इंजेक्शन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है बहुत ज़्यादा। तो वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।